I would now like to call upon a very eminent digital media personality onto the stage. He has trained more than hundreds of young entrepreneurs and digital marketers, and his company Lapaas works to make a digital impact in two ways. One, by helping the existing businesses become digital, and the other by creating young and energetic digital marketers. He is therefore putting a light on the impact of digital marketing in the field of education, school growth, admissions, and the brand building of any school for that matter. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Sahil Khanna. We welcome you, sir. The stage is all yours. मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना, आप ही सभी की तरह, और यहाँ पे हमारा एक टॉपिक रहेगा आपको एजुकेट करना कि आपको अपने बिजनेस को या फिर स्कूल को कैसे ग्रो करना है। तो मैं पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूँगा, देन इट्स ऑन यू कि आपको वो करना या फिर नहीं करना। आगे हम डिस्कस यही कर रहे थे कि सबको पता है पर लोग अप्लाई नहीं करना पसंद करते, तो हम कोशिश करेंगे जो हम बातें करेंगे हम उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें। सबसे पहले मार्केटिंग समझ लेते हैं। मार्केटिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे सबको पता होगा क्योंकि सबके सब उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये जो छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है फिलिप कॉटलर जी की है। फिलिप कॉटलर मार्केटिंग के सबसे बड़े गुरु है इस टाइम करंट एग्जिस्टिंग एरा के अंदर। अब मार्केटिंग करने का जो तरीका है, अगर उसको हम डिजिटली करेंगे तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी आप Amazon से कुछ लेते हो, उसके बाद आप Google पे जाते हो, Facebook पे जाते हो, वही प्रोडक्ट आपके पीछे पड़ता है, वो आपको हर जगह पे पुश करते हैं प्रोडक्ट ले लो प्रोडक्ट ले लो। डिजिटल मार्केटिंग है। गूगल पे सर्च मारते हो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाई देती है, डिजिटल मार्केटिंग है। आपके ईमेल के अंदर आपके पास प्रमोशनल मेल्स आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है। हमारे देश के अंदर आज के टाइम पे ज़्यादातर यूथ है। अब यूथ जितनी है जियो रेवोल्यूशन के बाद, मैं जियो रेवोल्यूशन इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो एक रेवोल्यूशन था, उसके बाद इंटरनेट ईज हो गया सबके लिए, हर बंदे के पास इंटरनेट है। तो एक तरह से हमारी टारगेट ऑडियंस मतलब जो बंदा हमारा प्रोडक्ट लेगा, तो उस टारगेट ऑडियंस के पास इंटरनेट है, तो हम उसको डिजिटल चैनल से मार्केट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत है ट्रैक करना। आप सब स्कूल वाले हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि करंटली आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। अभी मैम ने कुछ बताया था आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो। ओके, we have devised a unique way to associate or connect with you. So by organizing and by helping them organize regular blood donation camps. Great. Actually, because youths are almost there. So we always encourage blood donation camps. Okay. And under our schools flagship or banner. Okay. So this is the way. क्रक्स मिला मेरे को यहाँ से। एक तो मुझे पता लगा कि हमारी ऑनलाइन PR हो जाती है, ऑनलाइन हमारी रेपुटेशन बिल्ड होती है। किसी भी बंदे को हमारा अगर प्रोडक्ट लेना है तो हमारे रिव्यूज़ चेक करेगा जितने भी पोर्टल्स हैं, और वहाँ से वो अपना डिसीजन लेगा कि उसको वो प्रोडक्ट लेना है या फिर नहीं लेना। दूसरा, सर ने कहा हम CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। CSR एक्टिविटीज़ मतलब डोनेशन वाली एक्टिविटीज़ जहाँ पे लोग हमसे पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफलाइन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रैक एज एन हमने पैम्पलेट्स बंटवाए, एक पैम्पलेट का लमसम कॉस्ट बंटवाने के साथ में ₹1.50 के आसपास आता है। ₹1.50 आपने बंटवाए, 100 बंदों तक वो पहुंचा, कितने लोगों ने उसको देखा पता नहीं, कितने लोगों ने उसको ढंग से पढ़ा पता नहीं, कितने लोग वही देख के आए पता नहीं। आपने पैम्पलेट्स बंटवाए, आपने होर्डिंग लगवाई, आपने डोनेशन कैंप्स किए, आपने बहुत कुछ किया, सबके अंदर कॉस्ट लग रही है। हमको देखना है किस कॉस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। क्या हम ट्रैक कर सकते हैं ऑफलाइन के अंदर? शायद नहीं। डिजिटल के अंदर हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च कंडक्ट करी थी, लेस देन 10% स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर जो कि कॉन्टिन्यूस डिजिटल एफर्ट कर रहे हैं, कुछ भी डिजिटल फॉर्म के अंदर कॉन्टिन्यूसली। नॉर्मली स्कूल्स क्या करते हैं, कोई अगर इवेंट हुआ स्कूल के अंदर उसको रिकॉर्ड करके फेसबुक यूट्यूब पर डाल दिया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको ज़्यादा डिजिटली ग्रो करना है अपने आप को, तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल्स लेके डाल दिए, बच्चों की फ़ोटो खींच के डाल दी, प्री नर्सरी के अंदर कुछ काम कर रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच के डाल दी, और वो भी वंस इन अ वाइल होता है, जब इवेंट होगा तभी डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हमको कॉन्टिन्यूसली बिल्ड करना है। अभी करंटली मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, मेरे को सीट भरने के लिए शायद 4 घंटे लगते हैं। मैं जिस टाइम ओपनिंग करता हूँ 4 घंटे के अंदर सारी सीट फुल हो जाती है। कैसे? मेरे डिजिटली अपनी पूरी आइडेंटिटी बिल्ड कर रखी है। तो ये छोटा सा डेटा था, मैंने इंटरनेट पे सर्च मार के देखा, इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च करना। तो मुझे पता लगा कि स्कूल नियर मी पे 40,000 के आसपास सर्चेज आ रही है मंथली। मतलब 40,000 लोग मंथली गूगल पे सर्च मारते हैं कि स्कूल्स नियर मी। मतलब इतनी बड़ी पोटेंशियल ऑडियंस है। आप में से यहाँ पे कितने लोग एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं? आपका तो ठीक है, 2। लोकल एसईओ कितने को पता है? लोकल एसईओ क्या होता है? लोकल एसईओ जब भी आप गूगल में कुछ सर्च मारते हो डैश नियर मी, तो गूगल एक रिजल्ट दिखाता है जहाँ पे मैप लोकेशन आती है, जहाँ पे कॉल का बटन आता है। अगर फ़ोन से हम करते हैं तो कॉल का बटन भी आता है, वेबसाइट का लिखा हुआ आता है। तो वो जो चीज़ है उसको लोकल एसईओ कहा जाता है। ज़्यादातर जो कन्वर्जन्स आती है ये नियर मी वाली, वो लोकल एसईओ से आती है। क्या हम लोकल एसईओ कर रहे हैं? हमने पोटेंशियली इतनी ऑडियंस को मिस कर दिया। अब इसमें से बहुत कम ऑडियंस होगी जो कि हमारी लोकेशन की होगी, पर हमने फिर भी उनको मिस कर दिया। साथ के साथ प्ले स्कूल टूल नियर मी 10,000 के आसपास मंथली सर्चेज आ रही है। अगर हम लोकल एसईओ नहीं कर रहे तो फिर से हम इतनी सारी ऑडियंस को लॉस कर रहे हैं। और इसके अंदर हमको कुछ बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग टीम या एजेंसी हायर करने की जरूरत नहीं है, ये हम इन हाउस कर सकते हैं अपने करंट रिसोर्सेज के साथ। बस बात क्या है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को थोड़ा स्कूल का आइडिया है कि स्कूल में क्या होता है। स्कूल में टीचर्स को बहुत सारा काम दिया जाता है कि आप प्री नर्सरी वालों के साथ खासकर होता है कि आप ये करो ये करो ये करो। क्यों ना हम उन्हीं को बाकी चीज़ों के अंदर भी लगा दें। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, या फिर हम एक्सटर्नल कुछ स्पेसिफिक टीचर्स हायर कर सकते हैं जो कि इसी चीज़ के अंदर काम करें और साथ के साथ बच्चों को भी इसके अंदर आगे बढ़ाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, बच्चे खुद अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालें, खुद ही एडिट करेंगे, सब कुछ करेंगे। फ्यूचर इज़ यूट्यूब। तो हमने एक तरह से अपना एक मार्केटिंग एजेंडा बना लिया कि हम यूट्यूब भी सिखाते हैं, हम बच्चों को यूट्यूब पे ग्रो करना सिखाते हैं। बच्चों को एडिटिंग आ जाएगी। 5th-6th क्लास के बच्चे अगर एडिटिंग कर रहे हैं तो मतलब वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इस मार्केटिंग प्लान को 4 पार्ट्स के अंदर बांटा है। सबसे पहला फेज है अवेयरनेस, देन इंटरेस्ट, देन डिसीजन, देन रेफरल। अवेयरनेस फेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं। हम करते क्या है, बात खत्म। हमारी जो भी यूएसपी है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस को सिर्फ वो पता होना चाहिए, बात खत्म। जो करेंटली हम कर रहे हैं ऑफलाइन के अंदर, हम पर्चे बंटवाते हैं, हम होर्डिंग लगवाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो सब कुछ अवेयरनेस फेज के अंदर आता है। अब इसको हम ट्रैक कैसे करेंगे? केपीआई का मतलब है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। हम इसको ट्रैक कैसे करेंगे? हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक के ऊपर, सोशल मीडिया के ट्रैफिक के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कितनी एंगेजमेंट आ रही है उसी से ट्रैक कर सकते हैं, वरना हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे इसको। पर अगर हम पैम्पलेट बंटवा रहे हैं हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि कुछ कन्वर्जन आ रहा है फिर नहीं आ रहा। मैं आगे एक एक फेज के ऊपर चलता हूँ। सबसे पहले अवेयरनेस फेज, इसके अंदर हमको करना क्या है? सबसे पहला मेरा एक सजेशन है जो कि कोई भी नहीं कर रहा है, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो आप। यूट्यूब चैनल का मतलब ये नहीं है हमको टेस्टिमोनियल्स डालने हैं। यूट्यूब चैनल का मतलब है हमने पूरी एजुकेशन सीरीज डाल दी, 1st क्लास के जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी वीडियोस यूट्यूब पे है हमारे स्कूल के नाम से, 2nd क्लास की सारी वीडियोस है हमारे नाम से। इससे क्या होगा, इससे एक नया चैनल क्रिएट होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी मेरा यूट्यूब पे सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। अब लोगों ने वो देखा, अब जब मैं कहूँगा आओ मुझसे पढ़ लो तो वो जो कन्वर्जन रेशियो आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको मुझ पर ट्रस्ट हो चुका है। यही अगर आपका कोई टीचर है, 1st क्लास का कोई टीचर है, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, कोई पेरेंट उसको फॉलो करता है, वो कहेगा ये यूट्यूब पे भी है, ये मेरे बच्चे को पढ़ाएगा। इससे कन्वर्जन रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और करेंटली ये कोई भी नहीं कर रहा। और यहाँ से आपका एडिड रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर एडसेंस है, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। तो जो आपने रिसोर्सेज लगाए, टीचर्स है, टीचर्स को आपने डेडिकेट कर दिया कि आपको रोज की एक छोटी वीडियो बना के डालनी है। बच्चों की एक टीम बना दी, जैसे हमारे स्कूल के अंदर होता था क्लब्स बनते थे, तो क्लब्स बना दिए, उनका काम था उन वीडियोस को एडिट करना। उन्होंने एडिटिंग सीखी, टीचर ने रिकॉर्ड करी, हमने यूट्यूब पे डाला, हमारा चैनल ग्रो हुआ, हमारे पास एक और स्ट्रीम बन गया रिवेन्यू का एज वेल एज बच्चों को लाने का। वही सेम वीडियो हम फेसबुक पर भी डाल सकते हैं। एक आइडिया था मेरे दिमाग में जो कि यूट्यूब पर था नहीं, तो मैंने कहा मेरे को कुछ यूनिक सोचना है जो लोग कर सकते हैं। सब करोगे तो फिर वो यूनिक खत्म हो जाएगा। हमको क्या करना है, स्टोरी ऑफ अ किड या स्टोरी ऑफ अ 2 2nd क्लास स्टूडेंट, ऐसी टाइप की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना के हम डाल सकते हैं कि जब वो बच्चा आता है क्या होता है, क्योंकि उसमें इमोशंस हैं। अभी इन्होंने मैम ने बात करी थी कि हम जितने भी डिसीजन लेते हैं, मैं आपको सेल्स का एक फंडा बताता हूँ, हम जितने भी डिसीजन लेते हैं उसमें से सारे डिसीजन इमोशंस पे होते हैं। हम बैक करते हैं उसको लॉजिक से कि यार इसलिए लेना चाहिए मुझे ये, पर असली में जो हमने लिया है ना, जो ट्रिगर किया है हमारे दिमाग के अंदर, वो एक इमोशन था। तो क्यों ना एक इमोशनल स्टोरी डाल के अपना एक तरह से अपने आप को मार्केट किया जाए, जो कोई भी नहीं कर रहा। मैंने इंटरनेट पर सर्च भी मार के देखा कि क्या ऐसा कुछ किसी ने बना रखा है, किसी ने नहीं बना रखा, और ये चीज़ चलेगी कि सेकंड क्लास के बच्चे की लाइफ में क्या होता है, वो स्कूल में जाता है, बच्चों से जाता है, फिफ्थ क्लास के बाद का क्या होता है माहौल, एट्थ क्लास के, इसमें हम भी देखेंगे, मेरी एज भी देखेगी, अपना बचपन याद करेगी, यार हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। बच्चे की पेरेंट्स इंटरेक्ट करेंगे, वो कहेंगे ये स्कूल अच्छा था। बेसिकली कुछ नहीं हो रहा, वो हमारे ब्रांड नेम को जान रहे हैं। हमारे यहाँ पे कन्वर्जन मोटो है ही नहीं, हमारा यहाँ पे सिर्फ एक मोटो है, अवेयरनेस। सामने वाले के दिमाग में हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ ये बंदे करते हैं, बात खत्म। अगर हमने ये चीज़ कर दी तभी हम नेक्स्ट फेज पे जा पाएंगे। एक कुछ एक्टिविटीज़ और बता रहा हूँ, न्यूज़ PR, शायद आप में से किसी ने किया है कभी, न्यूज़ चैनल को कुछ उन्होंने दिया है, पेड था, फ्री था, बोथ था। तो क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे आज के टाइम पे न्यूज़ चैनल्स हैं, हम उनको कुछ अमाउंट देके या फिर उनसे पूछ के अपनी वीडियो पब्लिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद उसी वीडियो को हम YouTube पे डालेंगे, Facebook पे डालेंगे, उसको मार्केट करेंगे, लोगों को लगेगा यार ये तो न्यूज़ में आए थे, चाहे उस न्यूज़ चैनल को कोई भी नहीं जानता, पर वो लग रहा है न्यूज़ में है, कुछ ना कुछ तो था। प्लस एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी, मैम ने भी स्टार्टिंग में मैम ने कंडक्ट किया था, उसके अंदर बताया हमको सिखा तो दिया जाता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, हमको पैसा सेव करना नहीं सिखाया जाता। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्कूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ये चीज़ें डाल दें कि बच्चों को हम फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे कि बेटा व्हाट इज़ सेविंग, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम नॉर्मल सी बात लेके चले, आज एक बच्चा सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, अगर वो 5th क्लास का है, महीने के 100 रुपये कोई भी कर सकता है। मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबके स्कूल के बच्चे 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो 12th तक इन्वेस्ट करता रहे कॉन्टिन्यूसली, तो वो कितने हो जाएंगे। अगर हमने सिर्फ बच्चे के वो दिमाग में डाल दिया ना कि बेटा देखिए इतना पैसा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, 12th के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो बच्चा वो 200 रुपये अभी से सेव करने लग जाएगा। एक नई हैबिट डेवलप हो जाएगी बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से। ये हमारे देश में चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बनने हैं, हमको बनाना है कि फ्यूचर नौकरी 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 के पीछे नहीं भागना। जॉब क्रिएट गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमको बिजनेस करके आगे जॉब क्रिएट करनी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सब स्मार्ट क्लासेस तो सभी यूज़ कर रहे होंगे, सब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस। एक और चीज़ शुरू हुई है VR क्या है, वर्चुअल रियलिटी। उसके अंदर क्या होगा, एक तरह से हमारे ग्लास आंखों के आगे लग जाएगा और पैरेलैक्स वाला इफेक्ट जो होता है उसका यूज़ करके हमको ऐसा लगेगा कि हम नई रियलिटी के अंदर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इंजीनियरिंग करी, अब इंजीनियरिंग के अंदर मुझे मशीन समझनी थी, अब मेरे स्कूल वाले असली की मशीन तो ला के नहीं दिखाएंगे मेरे को, अगर वो लाएंगे तो बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाएगी। उन्होंने वो वीडियो बना के रख दी, मैंने सिर्फ लगाया, मैंने अपनी लाइफ के आंखों के आगे देखा वो ऑपरेट कैसे कर रही है और वो खुल के दिख रहा है मेरे सामने। तो इससे क्या होगा, मेरे दिमाग में नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग आएगी उस टॉपिक की। अल्टीमेटली गोल एज अ टीचर हमारा यही तो है कि सामने वाले बंदे हमारी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करें, उसके बाद एग्जीक्यूट करें, वो चीज़ यहाँ पर हो पाएगी। और VR का कॉस्ट मेरे हिसाब से हाई अगर हम लेते हैं तो 55,000 का पड़ेगा। वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हम वो उठा सकते हैं। सिस्टम 40,000 रुपये का पड़ेगा। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमारे पास एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई जो कि कोई नहीं कर रहा और उसको हम मार्केट कर सकते हैं। अगला फेज है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा? अवेयर तो कर दिया मैंने, अवेयर सब करते हैं। इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा जब रिकॉल होगा। आपने मेरी वीडियो एक बार देख ली, अभी आपने मुझे इवेंट में एक बार देख लिया, अभी थोड़े टाइम तक रिकॉल करोगे, थोड़े टाइम के अपने आप भी भूल जाओगे। पर अगर ये चीज़ रिकॉल मैकेनिज्म शुरू कर दूं, मैं आपकी डिटेल निकाल के SMS करने लग जाऊं, या फिर आप मेरे YouTube पे वीडियो देख लो, उसके बाद मुझे सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियोस देखने शुरू कर दो, तो आप मेरे सेल्स फनल के अंदर घुस जाओगे। डिजिटल के अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, हम उन स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि पैम्पलेट्स थे, पैम्पलेट्स में जिन लोगों ने पैम्पलेट रीड किया हम उसको रीमार्केट नहीं कर पा रहे थे, पर यहाँ पर हम कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट करी हमको दोबारा से दिखा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमारे ऑफलाइन के अंदर आए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, सिर्फ इंटरेस्ट फॉर्म भरा, हम उनको फिर से मार्केट कर सकते हैं। और ये वो SMS मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे हम उनको फेसबुक पे ऐड दिखाएंगे अपनी, जो हमने अचीव किया है, हमारे स्कूल के बच्चों ने जो अचीव किया है, हम उनको रीमार्केट करेंगे, देखो ये हमारे स्कूल के बच्चे करते हैं। उनको ये नहीं लगेगा वो ऐड है। 70 to 80% जो इंडियंस है वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते ऐड और नॉन ऐड के बीच में, तभी आजकल वो स्पॉन्सर को हाईलाइट किया जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एज अ डिजिटल मार्केटर हमारे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। बंदों को पता ही नहीं है ऐड है यार, उनको लगेगा नेचर का कॉल है भाई, ये इरी स्कूल की ऐडें क्यों दिखाई दे रही है मुझे, शायद भगवान मुझे कह रहे हैं ले लो, क्योंकि इमोशनल डिसीजन के ऊपर हम प्रोडक्ट लेते हैं सारे के सारे। इसलिए रीमार्केटिंग 500 टाइम्स तक कन्वर्जन रेशियो को बढ़ा देता है और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। एक चीज़ और होती है एक्विजिशन। एक्विजिशन डिजिटल मार्केटिंग में एक्विजिशन को क्या कहा जाता है कि हमने उनका डेटा ले लिया, डेटा मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल या कुछ भी डेटा ले लिया, या फिर उनके ब्राउजर पर हमने कुकी जोड़ दी, कोई भी डेटा अगर हमने उनसे ले लिया उसको एक्विजिशन कहेंगे। अब जब तक हमने डेटा नहीं लिया तब तक हम उनको रीमार्केट नहीं कर सकते, तो हम उनको एक्वायर कैसे करें? हम उनको फ्री चीज़ें ऑफर करके ही एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने यूट्यूब चैनल की बात करी, यहाँ से एक एक्विजिशन चैनल बन सकता है। दूसरा, हम फ्री हॉलीडे होमवर्क गाइड दे सकते हैं। प्रेप स्कूल की बात करके चले तो हम कुछ ड्राइंग शीट्स बना के दे सकते हैं कि इसको प्रिंट आउट निकालो, उसके अंदर ड्राइंग कर लो। आपको बेटर पता होगा बच्चों की नीड क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं। हम उनको वो चीज़ फ्री में देंगे कि 10 ईयर निकाल के दे दिया कि अगर भाई 12th की बात करके चलूँ तो बेसिकली 12th के बाद के बच्चों की हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमको वो बच्चों की ज़रूरत है जो 12th के बाद स्विच करके 11th में हमारे पास आएंगे। तो क्यों ना 10th का 10 ईयर फ्री दे, 10th की फ्री एजुकेशन दे बच्चों को। उससे क्या होगा, 10th की ऑडियंस एजुकेट होगी, वो कहेगा यार इसी टीचर के पास जाना पढ़ने के लिए, 11th में आपके पास बच्चे आए। लोकल प्रमोशन के लिए मैंने लोकल SEO आपको बताया। लोकल SEO के लिए क्या करना है, गूगल माई बिजनेस आप गूगल कर सकते हो, फ्री है। गूगल माई बिजनेस में आपको अपने स्कूल को रजिस्टर करना है, उसके बाद उसके अंदर एड्स भी चला सकते हो अगर आप चाहो तो। और इसके अंदर SEO करने की टेक्निक है, मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाल रखी है, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो खुद भी सीख जाओगे। ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा और आपके पास टीम है जो कि कर सकती है, तो इट्स बेटर कि अपनी टीम से यूटिलाइज करो इनको। लोकल प्रमोशनल इवेंट्स जैसे इन्होंने किया, डोनेशन कैंप्स, पर इससे बेटर अगर हम ऐसे इवेंट्स करें जहाँ पर हमारी टारगेट ऑडियंस है तो वो बेटर रहेगा। डोनेशन कैंप के अंदर कौन आएगा, पेरेंट्स आएंगे, 18 अबव स्टूडेंट्स आएंगे। ऐसे इवेंट्स करे जाए जहाँ पे ऐसे लोग आए जो कि हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन करा दिया लोकल मार्केट के अंदर और विनर को हम स्पेसिफिक XYZ अमाउंट देंगे। इसी टाइप की कुछ भी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जो कि उस टारगेट ग्रुप को चाहिए, हमने वो चीज़ फ्री में दी। अब प्री नर्सरी के बच्चों को अगर हमने फ्री का ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया और उनको 5000 रुपीज़ अमाउंट दे दिया, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है, पर उसकी वजह से पूरे मोहल्ले के अंदर नाम हो गया। वो जो बच्चा जीत के गया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जीत के गया, वो अपने पूरे मोहल्ले में बताएगा देखो यहाँ से ये जीता है। और बच्चों के अंदर होता है, मेरे अंदर भी स्टार्टिंग में था सर्टिफिकेट्स का क्रेज़, तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। इस चक्कर में जितने भी आसपास के बच्चे होंगे सर्टिफिकेट के चक्कर में आएंगे। और हमारी सर्टिफिकेट की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 2 से 3 रुपये कॉस्ट आएगी अगर हम बल्क के अंदर छपाएंगे। अगला, एज अ मार्केटर मेरा काम है या फिर आपकी टीम का काम है राइट कस्टमर को आपके डोर स्टेप पर लाना, पर अल्टीमेटली कन्वर्ट आपको ही करना पड़ेगा। मैं मार्केट करके आपको ब्रांड बना के आपको भेज दूंगा कस्टमर राइट, पर अगर आपका स्टाफ अच्छा नहीं होगा जो कि ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो कन्वर्जन कभी नहीं आएगा। अब हमने दिखाया कि हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है, VR होता है, ये होता है, वो होता है, वहाँ जाके पता लगा स्कूल में कुछ है ही नहीं। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी मैट्रिक्स अगर ख़राब हुआ तो कभी भी कन्वर्जन नहीं आएगा। एक चीज़ आइडिया है, अगर कोई YouTube चैनल शुरू करता है एजुकेशन वाला, तो और अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, एग्जाम्पल अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा आ रहा है तो हम उसी टीचर को भेजेंगे जो फर्स्ट क्लास की YouTube पे वीडियोस बनाता है, तो उससे क्या होगा, वो रिलेट कर पाएगा कि ये वही टीचर है। प्लस अगर उसको नहीं पता तो हम उसको बता देंगे देखो ये YouTube पर वीडियोज़ बनाते हैं, तो उससे आगे वो हमारी वीडियोज़ फॉलो करने लग जाएगा। अभी कन्वर्जन नहीं आएगा, कभी तो कन्वर्जन आएगा, और नहीं आएगा तो हम कौन कह रहे हैं कि 100 में से 100 कन्वर्ट करेंगे, हम तो 5% कन्वर्जन रेशियो लेके चल रहे हैं कि 100 में से सिर्फ 5 बंदे ही कन्वर्ट होंगे। बेसिकली हम रेफरल प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हैं जो लोग नहीं रन करते हैं। मैं खान अकेडमी, आप में से कितने लोगों को खान अकेडमी के बारे में पता है? क्या करते हैं वो? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या उससे उनका बिजनेस मॉडल नहीं बना? उसके बाद वो अपनी ऐप के ऊपर जाके सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो अपना कोचिंग सेंटर भी बाद में रिलीज़ कर सकते हैं। हमारा अगर YouTube चैनल बढ़ जाए, किसी को अगर हमसे नहीं पढ़ना तो आओ हमारे YouTube चैनल से कर लो। या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लो जहाँ पे आपको सिर्फ 200 रुपये महीना देना है या 300 रुपये महीना देना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एक और रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट हो गया। ब्रांड की बात करूँ, ब्रांड में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी एज एन, जैसे अभी आप ये देख रहे हो, ये साइंटिस्ट थीम के ऊपर है। अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको मेरी ब्रांड एज अ साइंटिस्ट दिखेगी। हम जो कोर्स कराते हैं, हमने उसका कोर्स का नाम रखा है डिजिटल मार्केटिंग साइंटिस्ट। अगर आप मेरा इंटीरियर देखोगे तो साइंटिस्ट वाली फील आएगी, एकदम लैब टाइप की फील आ रही है। हम जो कॉन्वोकेशन करते हैं उसमें वाइट कोट पहनाते हैं, सेफ्टी गॉगल्स पहनाते हैं, सेफ्टी हैट्स, सेफ्टी ग्लव्स। उससे क्या हो रहा है, वो सबके सब फोटोज खींच के यूट्यूब पे डालेगी डालेगी, मतलब फेसबुक पे डालेगी डालेगी, कहीं ना कहीं डालेंगे। वो कहेगा ये कहाँ से किया है भाई, यार लपास से किया, डिजिटल मार्केटिंग साइंटिस्ट। डिजिटल मार्केटिंग साइंटिस्ट कहीं पे भी सर्च मारोगे, सिर्फ मैं ही कराता हूँ। अल्टीमेटली वो रिकॉल वैल्यू मेरे पास ही क्रिएट होनी है। तो हमको स्मार्टली प्ले करना है, हमको मार्केट में जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको समझ के और काम करना है। क्योंकि अभी हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है, बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो गए, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ 5% ही एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इनके पास कोई आता है तो इनको कहते हैं कि पहले आप मार्केट में सर्वे करके आओ, हमारे पास पहले ना हो। ये बहुत ही अच्छी मार्केटिंग प्रैक्टिस है। इसका रीज़न क्या है, जब भी औरतें साड़ी लेने के लिए मार्केट में जाती है तो उनके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। जब भी आप पहला प्रोडक्ट लोगे, कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो ड्रीम प्रोडक्ट तो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर पहला बंदे ने आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए आ गया तो वो ड्रीम प्रोडक्ट ही ढूंढेगा और अल्टीमेटली वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। इसलिए हमको कोशिश करनी है कि हम बंदे को पहले कहें कि मार्केट में घूम लो, 4-5-6 जगह हो जाओ, देख लो, क्योंकि उनका फिर लेवल आ जाएगा, उनको पता लग जाएगा मार्केट में यही होता है। फिर वो हमारे पास आएगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी मैट्रिक्स सही रहेगा। जहाँ वो बिगड़ेगा वहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा। थैंक यू। यस, फुल फॉर्म ऑफ लपास, एक्चुअली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। या स्टार्टिंग, ये 2011 की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मुझे पता लगा डोमेन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको एक ऐसा डोमेन लेना है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट ना करता हो और उसका कुछ मतलब हो, और जितना छोटा कैरेक्टर हो उतना छोटा कैरेक्टर लेना। तो मैं ढूंढता रहा, मुझे लपास मिल गया। वो फ्रेंच पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर, तो ला, वो दिमाग में था ला तो चाहिए, ली मेरिडियन है, मेरा ला होगा। तो मैंने ला ढूंढा, आगे मेरे को ढूंढना था कुछ भी। फिर मैंने उसको ढूंढ के एक लपास मिल गया। अब मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी कि लपास का मतलब क्या निकल सकता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ढूंढ के। उसके बाद मैंने उसका मतलब निकाला, देन उसको मार्केट किया। लपास का मतलब द स्टेप, इट इज द स्टेप दैट विल चेंज एवरीथिंग। अब देसी लोगों के लिए लापास। Thank you. That was a wonderful presentation. You had my entire attention. हालांकि मेरा भी एक YouTube चैनल है और उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए आपकी मुझे गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। क्या बात है, आपको तो मैं सबसे पहले सब्सक्राइब करने वाली हूँ। लवली प्रेजेंटेशन दैट वाज। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस have gained a lot from that insightful presentation.